बालिकाओं को शिक्षित होकर संस्कारवान बनकर आगे बढ़ने की कैबिनेट मंत्री कुमावत ने प्रेरणा दी। खोड़ केजीबीवी में बाल मेला आयोजित। बाल मेले में बालिकाओं ने विभिन्न ज्ञानवर्धक स्टॉलें लगाई। खोड़ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 3 में सोमवार को किशोरी मेला एवं वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुवावत एवं सरपंच दुर्गा दादेज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कुमावत ने कहा कि आज के युग में बालिकाएं पढ़ लिखकर शिक्षित होकर कहीं उच्च पदों पर आसीन है। इसके लिए बालिकाओं को शिक्षित होकर संस्कारवान बनने को कहा। सरपंच दुर्गा दाजीज ने बालिकाओं को संबोधन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद एवं विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की बात कही। सीबीओ भवानी सिंह राणावत ने शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विस्तार से बताया। सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश चंद्र जोशी ने बालिकाओं को शिक्षा के साथ संस्कारों का होना जरूरी बताया। प्रधानाचार्य हरीश व्यास ने बाल मेले के आयोजन में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्णन सुमन चरण ने छात्रावास में संचालित गतिविधियों के बारे में बताया। बाल मेले में लगभग 20 स्टॉलें लगाई गई जिसका अतिथियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सीबीओ भवानी सिंह राणावत, सरपंच दुर्गा दाधीज, जिला परिषद सदस्य दुर्गा सिरवी, खोड़ मंडल अध्यक्ष हुकुम सिंह राजपुरोहित, खरोड़ का समाज सेवी विनाराम परमार चांगवा, बालिका शिक्षा प्रभारी लक्ष्मण राम चौधरी, समग्र शिक्षा कार्यालय पाली से लीलाधर शर्मा, महेश कल्ला, रमेश मेहता, किरण परिहार, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रेम सुख सुथार, जगदीश चंद्र जोशी, मिश्रीलाल सिरवी, किरण सिंह चौहान, कैलाश मेवाड़ा, दिलीप आद्रा, अपिकाश पब्लिक स्कूल के संस्था प्रधान जसाराम मेघवाल, ओगड़ राम प्रजापत, दामोदर प्रसाद, ओगड़ राम मीणा, वर्णन सुमन चारण, मंजू चौधरी, सुंदरलता मेघवाल, जयलता माधव, गुलाब कंवर, पूजा शर्मा, लीला माधव, अरविंद जी नगर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे देश भर में मतलब खुशी का माहौल था। गांव गांव गली गली में खुशी का माहौल था और सभी जगह राम जी की कृपा बरस रही थी। अब राम जी के दर्शन सब लोग करना चाहते हैं तो बुजुर्गों के लिए हमने देवस्थान विभाग के लिए ट्रेनें चला